लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेकंड पार्ट तक का जो था आपके यूनिट का विच वाज द थियरीज रिलेटेड टू मनी वो कवर किया था. अब हम लोग थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट की तरफ आ रहे हैं विच वाज योर बैंकिंग. बैंकिंग में दो पार्ट से आपने स्प्लिट किया था. पहला पार्ट था वो कमर्शियल बैंक और दूसरा पार्ट है सेंट्रल बैंक. तो जो टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे दैट इज योर कमर्शियल बैंक. सबसे पहले हम क्या करेंगे डिफाइन करेंगे कि कमर्शियल बैंक को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है. अ बैंक विच परफॉर्म्स द बेसिक फाइनेंशियल फंक्शंस लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स किसके लिए फॉर द पब्लिक. यहाँ पे जो की टर्म्स है जो आपने ध्यान रखना है वो है फर्स्ट बेसिक फाइनेंशियल फंक्शन. बेसिक फाइनेंशियल फंक्शन जैसे सेकंड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, थर्ड लोन को प्रोवाइड करना और फोर्थ ये जो फंक्शंस है वो किसके लिए कर रहा है पब्लिक के लिए. तो वैसे बैंक्स जो कि पब्लिक के पैसों को एक्सेप्ट करते हैं अपने पास इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, पब्लिक को पैसे प्रोवाइड कराते हैं अपने पास से इन द फॉर्म ऑफ लोन, उन बैंक्स को हम किस नाम से जानते हैं कमर्शियल बैंक्स. ए बैंक विच परफॉर्म्स द बेसिक फाइनेंशियल फंक्शंस लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग लोन्स फॉर द पब्लिक इज कॉल्ड ए कमर्शियल बैंक. एग्जाम्पल क्या हुआ कमर्शियल बैंक का एसबीआई. एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. उसके बाद सेकंड जो आपको पढ़ना है वो है मोटिव कि कमर्शियल बैंक के बेसिक फाइनेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है क्यों कर रही है. आप कोई भी काम करते हो आपका उसके पीछे एक मोटिव होता है. यू कम टू योर कॉलेज वाई बिकॉज यू हैव टू स्टडी. यू गो टू अ स्टेडियम वाई बिकॉज यू हैव टू प्ले एनी स्पोर्ट और लाइक दैट. यू गो टू अ ग्रोसरी स्टोर वाई बिकॉज यू हैव टू बाय सर्टेन गुड्स. आप जो भी काम करते हो उसके पीछे आपका एक मोटिव होता है. तो ये कमर्शियल बैंक जो पब्लिक के लिए ये बेसिक फाइनेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसका मोटिव क्या होगा. द मेन मोटिव ऑफ एनी कमर्शियल बैंक इज टू अर्न प्रॉफिट. जो मेन मोटिव होता है किसी भी कमर्शियल बैंक का वो क्या होता है प्रॉफिट को अर्न करना. तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हो जाएगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट अर्न कैसे. कमर्शियल बैंक अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं. सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट अर्निंग ऑफ कमर्शियल बैंक. किसी भी कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट अर्निंग किस तरह से होता है इसके लिए हम ऐसे देखेंगे. ये बैंक है कमर्शियल बैंक. ये पर्सन ए है ये पर्सन बी. पर्सन ए बैंक के पास जाता है और अपने डिपॉजिट्स को बैंक को देता है. एरो पे ध्यान दीजिएगा. पर्सन ए गोज टू द बैंक और वो अपने डिपॉजिट बैंक को देता है. मतलब ए अपना पैसा बैंक को दिया. अब इस पैसों के बदले में बैंक उसे क्या देती है रेट ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पे फिर से आपने एरो पे ध्यान देना है. यहां से पैसा गया बैंक के पास जिसको हम डिपॉजिट कहते हैं. बैंक की तरफ से क्या आया रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसको हम लोग नाम रख दे रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वन. अब बी के साथ बैंक का क्या रिलेशन है. बी जाता है बैंक के पास बैंक उसे लोन देती है. एरो पर ध्यान दीजिए. लोन कहां से कहां गया बैंक से बी के पास. पैसा किसके पास गया यहां पे पैसा यहां गया यहां पे पैसा यहां गया. अब चूंकि पैसा इसके पास आया तो इन पैसों के बदले में जो पर्सन बी है वो बैंक को क्या देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमने क्या नाम रख लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट टू. ध्यान दीजिएगा एन इंडिविजुअल गोज टू द बैंक ही और शी
deposits their money. The bank is giving them some rate of interest. यहाँ पे जो flow of money है वो कहाँ से कहाँ हुआ? A to bank. इस second part में person B goes to the bank. Bank offers the person a loan. Person offers the bank a rate of interest. यहाँ पे पैसा कहाँ flow हुआ? Bank to person. अब ये जो rate of interest one है और rate of interest two है, इन दोनों के बीच क्या difference है? ये देखिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट वन जो कि कौन ऑफर कर रहा है? बैंक. किसे ऑफर कर रही है? पब्लिक को. क्यों? उनके डिपॉजिट्स के लिए. उसको हम किस नाम से जानते हैं? बोरोइंग रेट. सो योर रेट ऑफ इंटरेस्ट वन इज कॉल्ड बोरोइंग रेट. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द बैंक टू द पब्लिक ऑन देयर डिपॉजिट्स इज कॉल्ड बोरोइंग रेट. अब आ जाइए रेट ऑफ इंटरेस्ट टू पे. रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक. कौन चार्ज कर रहा है? बैंक. किस पे चार्ज कर रही है? पब्लिक पे. क्यों? क्योंकि उसने क्या प्रोवाइड किया? लोन. उसको हम क्या कहते हैं? लेंडिंग रेट. रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन द लोन गिवन टू द पब्लिक इज कॉल्ड लेंडिंग रेट. सो योर रेट ऑफ इंटरेस्ट वन इज कॉल्ड बोरोइंग रेट. रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इज कॉल्ड लेंडिंग रेट. ये बैंक दे रहा है पब्लिक को, ये पब्लिक दे रही है बैंक को. अब जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वन होगा उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट टू हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है. मतलब जो बैंक दे रही है उससे ज्यादा बैंक चार्ज कर रही है. मतलब क्या हो गया इसका? लेंडिंग रेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द बोरोइंग रेट. और ये जो मार्जिन होता है ये क्या बन जाता है? बैंक्स का प्रॉफिट. सो वापस से यहां से एक बार इसको रिवाइज कीजिए. कमर्शियल बैंक का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकती है? बैंक पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है. इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बोरोइंग रेट. बैंक पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है. इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बोलते हैं लेंडिंग रेट. और बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट में हमेशा लेंडिंग रेट ज्यादा होता है. और इन दोनों के बीच का जो ये मार्जिन है, द मार्जिन विच एग्जिस्ट बिटवीन द बोरोइंग रेट एंड द लेंडिंग रेट दैट इज चार्ज एंड ऑफर्ड बाय द बैंक इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बैंक. तो कमर्शियल बैंक होता क्या है? जो बेसिक फाइनेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करे. बेसिक फाइनेंशियल फंक्शंस जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स. किसके लिए फंक्शन परफॉर्म करेगा? पब्लिक के. एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. मोटिव क्या है कमर्शियल बैंक का? प्रॉफिट अर्न करना. कैसे प्रॉफिट अर्न करती है? जो डिफरेंस होता है लेंडिंग रेट का और बोरोइंग रेट का, उस डिफरेंस से वो अपना प्रॉफिट अर्न करती है. बोरोइंग रेट क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन है. लेंडिंग रेट क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन है. बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट का आप एक फ्लो कैसे बना सकते हो? यू हैव टू टेक टू पीपल एंड अ बैंक ए बी. बैंक एंड बी. ए से बी के पास, ए से बैंक के पास पैसे जा रहे हैं और बैंक से बी के पास पैसे जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बोरिंग रेट, सेकेंड क्वेश्चन इज अ लेंडिंग रेट. थर्ड जो टॉपिक आ जाता है आपका वो आता है टाइप्स. कि कमर्शियल बैंक के कितने टाइप्स होते हैं? तो फंडामेंटली अगर कमर्शियल बैंक का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो हमें छह तरह के कमर्शियल बैंक देखने को मिलते हैं. पहला कमर्शियल बैंक जिसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. दूसरा कमर्शियल बैंक जिसको हम कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. तीसरा कमर्शियल बैंक जिसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक. चौथा कमर्शियल बैंक जिसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक. पांचवा इज योर फॉरेन बैंक. और छठा
होता है आपका नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक। सो देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स। अब इन छहों का क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जाम्पल है, ये वो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टाइप्स कितने हो गए, छह हो गए। पहला जो टाइप है आपका, विच इज योर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो बैंक्स जिनको की मेंशन किया गया है कहां पे, सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें हमारे सारे अफेयर्स से रिलेटेड लॉज एंड लॉज बने हुए हैं। बैंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर दैट एनी इकोनॉमी एनी कंट्री कैन पॉसिबली हैव। सो बैंकिंग से रिलेटेड भी कुछ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन नॉर्म्स लॉज एंड क्लॉज हैं। अब वो कहां पे मेंशन है, सेकेंड शेड्यूल में, और किस एक्ट में मेंशन है, आरबीआई एक्ट 1934। तो पहला जो चीज आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि कहां पे मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस पार्ट में, सेकेंड शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल में किस नाम से, आरबीआई एक्ट 1934। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे, सेकेंड शेड्यूल, और किस नाम से, आरबीआई एक्ट 1934। 1, 2 और 3 यू हैव टू लाइक, इफ यू हैव टू रिमेंबर दिस, अगर आपने याद करना है इन चीजों को, तो आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड शेड्यूल एंड थर्ड इन विच नेम, बाय विच नेम, आरबीआई एक्ट 1934। तो वो बैंक जिनको यहां पे मेंशन किया गया है उनको हम किस नाम से जानते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। टोटल नंबर कितना है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, 27। दिस कुड बी योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइमरी आपको एक ही एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल एक ही लिखोगे। अगर बाई चांस 2 मार्क का क्वेश्चन है आगे के डिफाइन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो आपको एक एग्जाम्पल इज सफिशियंट। अदरवाइज इफ यू हैव टू नो द एंटायर एग्जाम्पल्स और मेनी एग्जाम्पल्स, यू कैन सी द नोट्स व्हिच इज बीइंग अपलोडेड। सो शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से बैंक्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, कहां पे, सेकंड शेड्यूल में, किस नाम के अंडर, आरबीआई एक्ट 1934। टोटल नंबर कितना है इनका, 27। एग्जाम्पल एसबीआई। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा कमर्शियल बैंक का, वो है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक इसका ऑपोजिट। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया है, इन बैंक्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। सो नॉट मेंशन इन दी सेकेंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट शेड्यूल बैंक को मेंशन करा गया, कहां करा गया, इज योर डिस्कशन, इनको वहां पर मेंशन नहीं किया गया और इनको हम किस नाम से जानते हैं, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अखंड आनंद बैंक। नाम नहीं सुना होगा आपने, एसबीआई का नाम सभी सुने हैं, लेकिन अखंड आनंद बैंक का नाम किसने भी नहीं सुना है, और ये कहां पे है, सूरत में। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस नाम से आप फेमिलियर नहीं हो और इस नाम से आप फेमिलियर हो, उसके रीजन है। रीजन क्या है, जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं उनके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। एसबीआई के ब्रांच आपको रांची में मिलेंगे, हजारीबाग में मिलेंगे, बिहार के किसी सिटी में जाओ वहां मिलेगा, दिल्ली जाओ, लेकिन वो एनीवेयर इन इंडिया वी प्रॉब्ली फाउंड, वी प्रॉब्ली फाइंड इट वन ऑफ द अदर ब्रांच ऑफ एसबीआई, आपको हर जगह मिल ही जाता है। लेकिन नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के या तो ब्रांचेस होते ही नहीं है,
या बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं। जैसे अखंड आनंद बैंक है तो ये सिर्फ सूरत में है एंड दिस इज ओनली वन, तो सूरत के लोगों को पता है, लेकिन इंडिया ज्योग्राफिकली इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आप अपना एक बैंक खोलते और उसका सिर्फ एक ही यूनिट है, वो भी इंडिया में से एक पर्टिकुलर सिटी में, तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही मिनिमल, मिनिमल का मतलब कम, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही कम होती है। सो शेड्यूल बैंक्स मेंशन है, नॉन शेड्यूल बैंक्स मेंशन नहीं है। ये 27 नंबर्स हैं इनके, एग्जाम्पल SBI, इनका कोई फिक्स नंबर नहीं है। एग्जाम्पल अखंड आनंद बैंक, और नॉन शेड्यूल के बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं होते या ब्रांचेस होते ही नहीं, शेड्यूल के मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। नेक्स्ट जो बैंक का टाइप है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। अब किसी भी बैंक में क्या होते हैं, कैपिटल, पैसे होते हैं वहां पे। बैंक क्या है प्रॉपरली, एक कैपिटल के फ्लो का चैनल है, बैंक इज प्राइमरी चैनल फॉर द फ्लो ऑफ द कैपिटल। अब किसी बैंक में जिसके कैपिटल में 50% से ज्यादा ओनरशिप किसकी हो, गवर्नमेंट की हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक। वैसे बैंक्स जिसके टोटल कैपिटल में 50% से ज्यादा, ध्यान दीजिएगा 50% होने से वो नहीं हो जाएगा, मोर देन 50%, क्योंकि ओनरशिप के लिए जो रेशियो होता है एटलीस्ट 49:51 का होना चाहिए एटलीस्ट, और उसके बाद ये बढ़ता जा सकता है, ये घटता जा सकता है, ये जिसका होगा उसकी क्या हो जाएगी, ओनरशिप। तो ओनरशिप का जो फंडामेंटल इक्वेशन है दैट इज 41:51, फिर 51 फर्दर आगे बढ़ सकता है, 49 नीचे जा सकता है, और जो 51 के तरफ वाला है उसको ओनरशिप मिलती है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 51। सो पब्लिक सेक्टर बैंक वैसे बैंक है जिनके कैपिटल में गवर्नमेंट की ओनरशिप कम से कम 50% से क्या होती है, ज्यादा होती है। एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो क्या हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जैसे इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, उसमें क्या हो जाएगा, प्राइवेट लोगों की ओनरशिप हो जाएगी। जैसे मोर, वैसे बैंक जिसमें मोर देन 50% ओनरशिप इज बाय एनी प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी प्राइवेट, किसी खास व्यक्ति के द्वारा है, या फिर लोगों का एक समूह है उनके द्वारा है। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर द बैंक्स इन विच मोर देन 50% ऑफ द ओनरशिप इज बाय एनी ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल और बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल HDFC हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नोट्स में इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, तो एग्जाम में अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन आते हैं उनके टाइप्स लिखिए, तो हर टाइप के साथ आप एक सब्सिक्वेंट एग्जाम्पल लिखोगे, और एग्जाम्पल चाहे SBI ही क्यों ना हो, SBI बोले तो लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सभी को पता है उसका फुल फॉर्म, बट स्टिल यू हैव टू मेंशन द फुल फॉर्म। ये स्टैंडर्ड्स होते हैं आंसरिंग के, जब आप कोई एब्रिविएशन यूज करते हो, जब आप कोई इस तरह का SBI या HDFC यूज करते हो, तो आपको वो फुल फॉर्म, यू आर सपोज टू राइट द फुल फॉर्म। SBI ओनली इफ यू नो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC इज हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट जो बैंक का टाइप है वो कौन सा टाइप है, फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स के नाम में क्या लिखा है, फॉरेन, तो वैसे बैंक्स जिनका हेडक्वार्टर कहां पे है, फॉरेन। अब फॉरेन कहने से आपने क्या समझना है, अदर देन इंडिया, मतलब वैसे बैंक्स जिनका हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा, इंडिया के बाहर, लेकिन उन बैंक्स ने अपने यूनिट्स खोल रखे हैं कहां, इंडिया में, और वो पब्लिक को जो बेसिक फाइनेंशियल फंक्शन है वो पब्लिक के लिए परफॉर्म कर रही है। क्या क्या पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं, फॉरेन बैंक्स, बैंक्स हुज हेडक्वार्टर्स आर इन फॉरेन कंट्रीज बट दे हैव ओपन देयर यूनिट्स इन इंडिया एंड दे परफॉर्म द बेसिक फाइनेंशियल फंक्शंस फॉर द पब्लिक ऑफ इंडिया। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिटी बैंक। यहाँ पे स्पेलिंग CITI ही होगा, वो शहर वाला सिटी नहीं है CITY, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, नाम क्या होगा एग्जाम्पल में, सिटी बैंक।
सिटी बैंक आपको जो झारखंड बिहार इस तरह के जो स्टेट्स हैं वहां पे नहीं देखने को मिलता है, बट अगर आप मेट्रो सिटीज में जाते हैं जो अर्बन सेंटर्स हैं इंडिया के, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, वहां पे आपको सिटी बैंक्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंड प्रेजेंटली इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स जनरेट हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें बैंकिंग सेक्टर में सिटी बैंक्स का जॉब वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा माना गया। तो फॉरेन बैंक्स कौन से बैंक्स हैं जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन में होगा, तो इंडिया में अपना यूनिट्स ओपन करके काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा सिटी बैंक। सिटी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो सिटी बैंक इज एन अमेरिकन बैंक। ये भी आप अगर कभी की क्वेश्चन आ गए तो आप इसको ब्रैकेट में देख सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो लास्ट टाइप है कमर्शियल बैंक का उसको हम कहते हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स। नेशनलाइज्ड बैंक्स किसको कहते हैं? वैसे बैंक्स जो कि पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे। अब आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, वैसे बैंक्स जो इनिशियली क्या थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। फिर बाद में गवर्नमेंट ने इनमें इन्वेस्टमेंट करके इनको किस चीज में कन्वर्ट करा, पब्लिक सेक्टर में। वैसे बैंक जो इनिशियली प्राइवेट सेक्टर थे, बाद में गवर्नमेंट ने उनमें इन्वेस्ट करके पब्लिक सेक्टर में उन्हें कन्वर्ट कर लिया। कहने का मतलब पहले ओनरशिप प्राइवेट के पास थी, अब ओनरशिप गवर्नमेंट के पास आ गई। इन बैंक्स को हम क्या बोलते हैं? नेशनलाइज बैंक्स। ये टोटल 19 है। कितने ऐसे बैंक्स हैं जो पहले प्राइवेट सेक्टर के थे, बाद में उन्हें पब्लिक सेक्टर कर दिया गया? तो 19। एग्जाम्पल एसबीआई। एसबीआई एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बहुत सारे जो हो गया आपको काम आ जाएगा, शेड्यूल में काम आ जाएगा, पब्लिक में काम आ जाएगा, नेशनलाइज में काम आ जाएगा। सो या अब अगर इसे हमें समराइज करना है तो 6 टाइप्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, नेशनलाइज। जिनमें से दो ऐसे बैंक्स हैं जिनका हमें फिक्स नंबर पता है, शेड्यूल्ड 27 है, नेशनलाइज 19 है। बाकी सारे बैंक्स अदर देन फॉरेन बैंक उनका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा। शेड्यूल बैंक हेडक्वार्टर इज इन इंडिया, नॉन शेड्यूल बैंक हेडक्वार्टर इज इन इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर इज इन इंडिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर इज इन इंडिया, नेशनलाइज बैंक हेडक्वार्टर इज इन इंडिया। फॉरेन बैंक्स हेडक्वार्टर कहां पे होगा? फॉरेन में होगा। इन सारे बैंक्स में एक बैंक को छोड़ के बाकी सभी के मल्टीपल ब्रांचेस होंगे। शेड्यूल बैंक मेनी ब्रांचेस, पब्लिक सेक्टर बैंक मेनी ब्रांचेस, प्राइवेट सेक्टर बैंक मेनी ब्रांचेस, फॉरेन बैंक्स मेनी ब्रांचेस, नेशनलाइज बैंक्स मेनी ब्रांचेस, बट नॉन शेड्यूल बैंक्स ईदर दे डू नॉट हैव ब्रांचेस और दे हैव वेरी लिमिटेड लाइक वन और टू ब्रांचेस। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक में ओनरशिप गवर्नमेंट की होगी, प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल की होगी। वैसे बैंक जो पहले प्राइवेट थे बाद में पब्लिक हो गए, गवर्नमेंट ने ऑन पर्पस लेने का मतलब है जान बूझ के किसी काम को करना, गवर्नमेंट ने ऑन पर्पस उन्हें इन्वेस्टमेंट किया। क्यों इन्वेस्टमेंट करा? क्योंकि उन्हें ओनरशिप लेनी थी। उन बैंक्स को क्या बोले? नेशनलाइज बैंक्स। एंड द टोटल नंबर इज 19। एग्जाम्पल इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस वाले वीडियो में देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं विच यू शुड बी नाउ क्लियर एट इज द डेफिनेशन ऑफ एनी कमर्शियल बैंक 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करके याद कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। याद करने जैसे ऐसे कुछ है नहीं। इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको साइकोलॉजी बताता है प्लस आपको बिहेवियरल इम्पैक्ट्स बताता है, तो इसमें याद करने जैसा नहीं है कुछ, ध्यान में रखना है चीजों को। और जब आप चीजों को ध्यान में रखना चाहते हैं आप अगर पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। डेफिनेशन एग्जाम्पल, मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है तो कैसे है, इस
इसमें आपको दो टर्म्स मिलते हैं, बोरिंग रेट एंड लेंडिंग रेट। आपको क्या ध्यान में रखना है, कौन सा रेट ग्रेटर होगा। लेंडिंग रेट हमेशा ग्रेटर होता है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द प्रॉफिट दैट इज अर्न्ड बाय ए कमर्शियल बैंक। टाइप्स 6 होते हैं, नाम याद रखना है, उनका बेसिक फीचर याद रखना है और उनके एग्जाम्पल को याद रखना है। नाम फीचर, जैसे इसका ये हो गया एग्जाम्पल, नाम फीचर एग्जाम्पल, नाम फीचर एग्जाम्पल, नाम फीचर एग्जाम्पल, फीचर एग्जाम्पल, फीचर एग्जाम्पल, ऐसे किया। ओके, सो नेक्स्ट यहां तक चलते हैं, नोट्स को पढ़िए यहां तक, क्योंकि नोट्स में उसको प्रॉपरली लाइन में सेंटेंसेस में लिखा हुआ है। सो आई सजेस्ट दैट यू गो और एक बार थरली नोट्स को रीड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू।